विजयादशमी के अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से स्थापना दिवस मनाया गया और इसके तहत संघ की ओर से शस्त्र पूजा और पथ संचलन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जयपुर महानगर के मानसरोवर भाग का चित्रकूट स्टेडियम, विद्याधर नगर भाग का झोटवाड़ा स्थित आदर्श विद्या मंदिर और ऋषि गालव भाग का रामनिवास यूनियन फुटबॉल ग्राउंड में कार्यक्रम आयोजित हुआ और कार्यक्रम में मुख्य वक्ता प्रांत बौद्धिक प्रमुख रमेश पारीख मौजूद रहे और साथ ही कार्यक्रम में भाजपा संगठन महामंत्री चंद्रशेखर भी संघ के पूर्ण गणवेश में पहुंचे। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री वी सतीश, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी सहित संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे और इस दौरान कार्यक्रम में सर्वप्रथम विधिवत रूप से शस्त्र पूजा की गई, जिसके बाद संघ प्रचारकों की ओर से उद्बोधन हुआ और कार्यक्रम के तहत पथ संचलन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में संघ प्रचारकों ने हिस्सा लिया। आज के इस विजय दशमी के पावन पर्व पर सभी राजस्थान प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज का दिन बहुत ही पवित्र दिन है। आज के दिन असत्य पर सत्य की विजय हुई। आज के दिन हमने विजय घोष किया और जो सबसे जो प्रमुख बात है, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आज उसकी स्थापना दिवस भी है और शस्त्र पूजन का दिवस भी है। आज पूरे देश भर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी स्वयंसेवक आज शस्त्र पूजन करते हैं, आज स्थापना दिवस मनाते हैं।